चाचा जी का भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। आज सुनने में आया कि चाचा जी का हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया, बाय रोड चले हैं। असल में चाचा जी का शरीर वहाँ है, मनवा यही जा है, और हम सब लोग मिल करके एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। भाषण देते हैं भाइयों बहनों, अरे भाइयों और बहनों के लिए क्या किया मोदी जी, 10 साल का हिसाब ना दो। 10 साल तो आपने हिसाब नहीं दिया, और आगे 5 साल क्या कीजिएगा ये भी नहीं कहते। यहाँ बिहार आकर के ठगते हैं, वोट ले लेते हैं। थाली में कितना चीज महंगा हो गया दीदी, हो गया ना, दिहाड़ी मिल रहा उतना। हाँ तो मोदी जी के भगाओ, तो मोदी जी के हटाओ, गरीब के सरकार बनाओ। कल आए थे मोदी जी, बोले कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, बोले तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। ये हम सुनो, जब लालू जी ना डराए तो तेजस्वी डरा जाएगा। हम खांटी बिहारी हैं, गुजराती लोग से डराए वाली बनी, ये गुजराती आके बिहार में बिहारी के डरावे का काम कर रहा होता। जब तेजस्वी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया तो किसका जमीन ले लिया, किसका जमीन लिया? आप जान रहे हैं कि मेरे पीठ पे हड्डी चोट है, इस वजह से हम जो है बैठ करके बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ता। हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब 3 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, अभी तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को हम ऐसा करा दे। देखिए इस अवस्था में भी आप लोगों के बीच आए लगभग 200 से भी ज्यादा, 230 सभाएं की है, और 230 सभाएं आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है पूरे बिहार में, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम लोग 300 पार करने जा रहे हैं। और परिवर्तन पाटलिपुत्रा की जगह परिवर्तन आती है। भाई क्या माइक आप लोग रखते हैं भाई, हेलो, मैं ठीक है। 300 पार हम लोग जा रहे हैं, 300 पार हम लोग जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। आप गड़बड़ाएगा तो जानिएगा आप। हो गया भाई, स्थिर रहो यार, पीछे कचर कचर मिजाज रखिए, टनाटन टनाटन टनाटन, तो मिजाज है ना टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी लोग के खाते में 1 लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन को वोट पड़ेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए असली मुद्दा बेरोजगारी है, असली मुद्दा महंगाई है, असली मुद्दा गरीबी है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए, 12-13 बार, हर 2 दिन पर आ रहे हैं। एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर प्रधानमंत्री जी को सड़क पे लाने का काम किया। ये मेरा हेलीकॉप्टर नहीं ट्रैक्टर है, एक हेलीकॉप्टर उनके 20 हेलीकॉप्टर पर हमारा भारी है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यूपी वाले बाबा जी आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चाचा जी का भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। आज सुनने में आया कि चाचा जी का हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया, बाय रोड चले हैं। लेकिन हम देखो चाचा जी का पूरा सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हम तो चाहते हैं जहां रहें खुश रहें स्वस्थ रहें। वो तो भाजपा वाला ना हाईजैक कर लिया, असल में चाचा जी का शरीर वहां है, मनवा यही जा है।
और हम सब लोग मिल करके एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। पाटलिपुत्रा को आगे ले जाना चाहते हैं, पुनपुन को विकसित देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग काम की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी 10 साल का हिसाब नहीं दिए, लगातार उनके सांसद जीत के जा रहे हैं। मोदी जी ने बताओ पुनपुन के लिए क्या किया, एगो काम बता दो जो मोदी जी ने पुनपुन के लिए किया हो। कोई तो बढ़िया अस्पताल बनवाए होंगे पुनपुन, बढ़िया विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल कुछ नहीं दिए? हाँ, सबका घर पक्का मकान बनवा दिए क्या? महंगाई कम कर दिए? नौकरी दे दिए? क्या काम किए? क्या खाली भाषण देते हैं भाइयों बहनों? अरे भाइयों और बहनों के लिए क्या किया मोदी जी, 10 साल का हिसाब ना दो? 10 साल तो आपने हिसाब नहीं दिया, और आगे 5 साल क्या कीजिएगा ये भी नहीं कहते। यहाँ बिहार आकर के ठगते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन पहले पेट्रोल डीजल 60 रुपया मिलता था, मोदी जी आगे तो 100 के पार कर दिए, और इसके बाद गैस सिलेंडर जो 400 रुपया मिलता था मोदी जी 1200 कर दिए। थाली में कितना चीज महंगा हो गया दीदी, हो गया ना, दिहाड़ी मिल रहा उतना। हाँ तो मोदी जी के भगाओ, तो मोदी जी के हटाओ, गरीब के सरकार बनाओ। हम लोगों का इंडिया का सरकार बनेगा तो हम लोग, दीदी कही ना 1 करोड़ लोगों को तो सरकारी नौकरी, तो हर खाता में हर रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया जाए खटाखट, हर महीना मिली 8,333 रुपया अपन गरीब परिवार बहनों को जाएगा। अनाज 5 किलो ना 10 किलो मिली, 200 यूनिट फ्री में बिजली, फ्री में बिजली होई, और क्या बताओ। गैस सिलेंडर 500 रुपया तो हम लोग कर ही रहे, अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे, ओल्ड पेंशन नियम हम लोग लागू करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बताओ क्या करेंगे, कुछ बोले नहीं ना, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और यहाँ आते तो लालू जी को गाली, तेजस्वी को गाली। कल आए थे मोदी जी, बोले कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, बोले तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। ये हम सुनो, जब लालू जी ना डराए तो तेजस्वी डरा जाएगा? हम खांटी बिहारी हैं, गुजराती लोग से डराए वाली बनी, गुजराती आके बिहार में बिहारी के डरावे के काम करा होता। अरे काम दो, तेजस्वी नौकरी दिया इसलिए जेल भेजना चाहते हो? आपको रोड पे ले आया इसलिए, आपको चुनाव हरा रहा है इसलिए जेल भेजना चाहते हो? तेजस्वी आरक्षण 75% किया इसलिए जेल भेजना चाहते हो? लोगों के मानदेय को दुगुना किए 17 महीने में, 5 लाख को नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए। जब तेजस्वी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया तो किसका जमीन ले लिया, किसका जमीन लिया? ये मोदी जी, लोगों को नौकरी मिल रहा है हम दिए, और आगे 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा। आज आप लोगों ने नारा सुना होगा सुबह, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आज तेजस्वी कहने आया है तुम हमें वोट दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। असली दुश्मन बेरोजगारी बा, लड़का लोग बवाल चलता, काम नहीं खे, कैसे घर चली, कैसे नौकरी वोकरी हुई तब ना बिया हुई। तब 6 बजे के बाद परमिशन बा, हाँ कि ना, तो ज्यादा समय नहीं खे। आप सब लोगों से कहने आए चुपचाप लालटेन छा, पुनपुन ज्यादा दूर नहीं है,
इस बार आप लोग परिवर्तन लाने का काम कीजिए। हेनले चुपचाप दम लालटेन चापर बटन दबाने का काम कीजिए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।